है गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाल की एक फेमस मिठाई। यदि बंगाली मिठाइयों का राजा है रसगुल्ला, तो रानी है रसमलाई। तो इस त्योहार हम बनाएंगे रसमलाई। वैसे तो रसमलाई बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी कई बार जब हम रसमलाई बनाते हैं तो जो इसका पैनकेक होता है वो कड़क हो जाता है, सॉफ्ट नहीं बन पाता। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी रसमलाई बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली बनकर रेडी होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ एकता और आप देख रहे हैं लुक ऑन टू कुक ऑन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर दूध और फिर उसकी हम कर्डलिंग कर लेंगे, या फिर हिंदी में कहें तो उसे फाड़ लेंगे। कर्डलिंग करने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं विनेगर 2 चम्मच, 2 छोटी चम्मच ही आपको लेना है, जिसमें हम ऐड करेंगे 4 चम्मच पानी। अगर आप विनेगर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। नींबू को भी डायरेक्ट आप डाल सकते हैं या पानी में मिक्स कर कर भी आप डाल सकते हैं। अब दूध में उबाल आने लग गया है। जब दूध में उबाल आ जाए तो उसके बाद हम करछी से इसे चला लेंगे। गैस बंद करके इसे 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब हम इस स्टेज में विनेगर 1-1 चम्मच कर डालेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमें 1-1 चम्मच कर डालना है। 1 चम्मच डाला और फिर इसे हिलाया, फिर 1 चम्मच डालेंगे, फिर इसे हिलाएंगे। इस तरीके से हम दूध फाड़ेंगे तो जो छेना होता है हमारा बिल्कुल सॉफ्ट रेडी होता है। यदि आप इसे नींबू से फाड़ना चाहते हैं तो जैसे ही दूध में उबाल आता है वैसे ही आप नींबू का रस डाल दीजिए, ये तुरंत फट जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा छेना हमारा कड़क होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, जब भी आप दूध लें, गाय का दूध लें, उससे छेना बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होता है। तो चलिए छेना बन चुका है, इसे ठंडा होने देते हैं। हम एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध और ले लेते हैं। इससे हम रसमलाई का रस तैयार करेंगे, जिसके लिए हम दूध को बॉईल कर लेते हैं। उसके बाद हम डालते हैं इसमें 1 कप चीनी। यहाँ पर आप दूध भैंस का भी ले सकते हैं और गाय का भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालते हैं ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मगज, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, चिया सीड्स और पम्पकिन सीड्स लिए हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं केसर। केसर से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने अच्छी क्वालिटी का केसर यूज़ किया है, इसलिए मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, डालने के साथ ही इसमें येल्लो कलर आने लग गया है। अब हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। जैसे 1 ग्लास दूध लिया है तो हम उसे 3/4 ग्लास तक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है। अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे रसमलाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल हलवाइयों जैसी रसमलाई बनाने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। केसर से भी इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये देखिए, हमारा रसमलाई का रस बिल्कुल तैयार है। इसे बहुत गाढ़ा हमें नहीं करना है, थोड़ा पतला ही रखेंगे, क्योंकि गाढ़ा अगर किया तो जो इसका पैनकेक है वो इसे सोख नहीं पाएगा और उसके अंदर रस नहीं जा पाएगा। तो चलिए ये बिल्कुल रेडी है। अब हम छेने की तरफ चलते हैं। छेना ठंडा हो चुका है, अब हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने के लिए एक बोल के ऊपर मैंने छलनी ली है और उसके ऊपर मलमल का एक कपड़ा लिया है, जिससे हम अच्छी तरह से इसे छान लेंगे। ये जो पानी है इसे हम आटा गूंदने में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि हमें यहाँ पर छेने में पानी बिल्कुल नहीं रहने देना है। सबसे पहले तो हम छेने को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि इसमें जो विनेगर का टेस्ट है वो बिल्कुल अलग हो जाए। और उसके बाद हम इसे दबा दबा कर अच्छे से इसका सारा पानी निकाल लेंगे। अगर पैनकेक अच्छा बनाना है फ्रेंड्स तो पानी बिल्कुल ना रहने दें, भले इसे 10 से 15 मिनट हम लटका कर रख देते हैं, जिससे टपक टपक कर इसका पूरा पानी निकल जाएगा। और उसके बाद हम इसे खोल लेते हैं। ये देखिए, छेने में से पानी बिल्कुल अलग हो चुका है, छेना अच्छी तरह सूख चुका है। बिल्कुल इसी तरह का छेना होना चाहिए। अब हम इसे मैश करते हैं। मैश करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है इसका। हथेली से हमें इसे मैश करना है और 5 से 6 मिनट के लिए हमें इसे मैश करना है। जितनी अच्छी तरह आप इसे मैश करेंगे, आपका पैनकेक उतना ही सॉफ्ट बनकर रेडी होगा। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से इसके जो पैनकेक हैं वो बहुत अच्छी तरह बनकर रेडी होंगे, इसलिए आप कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड करें। और जब हम इसे चाशनी में डालेंगे तो ये टूटेंगे भी नहीं। तो चलिए अब हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। उसे 5 मिनट के लिए वैसे ही रहने देते हैं। चाशनी के लिए यहाँ पर मैंने 4 कप पानी लिया है और 1 कप चीनी ली है।
चीनी जब घुल जाए तो इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं और हम अपनी रसमलाई के पैनकेक तैयार करते हैं। इसके लिए हम डो में से छोटी सी लोई लेंगे और उसे हाथ से इस तरह मसल कर उसकी एक चिकनी लोई तैयार कर लेंगे। उसे हाथ से थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि वो थोड़ी सी चपटी हो जाए और रस मलाई का शेप ले ले। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ी मोटी भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी ना करें क्योंकि ये चाशनी में डालने के बाद अपने आप बड़ी हो जाती है। इसी तरीके से हम सारे पैनकेक्स रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 14 से 15 पैनकेक्स बना कर रखे हैं। ये बहुत छोटे हैं, अगर आप चाहें तो इसे बड़े भी बना सकते हैं। अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। चाशनी में डालते समय सबसे पहली बात का आपको ध्यान रखना है कि जब चाशनी में एक उबाल आए तभी हमें इसे डालना है, लेकिन हमें इसे धीरे धीरे डालना है। एक डालेंगे, उसके बाद फिर उबाल आते ही दूसरा डालेंगे। उबाल आना कम नहीं होना चाहिए चाशनी में, एक एक करके हम इसे डालते जाएंगे। हमें यहाँ पर एक साथ बहुत ज़्यादा पैनकेक्स नहीं डालने हैं, 5 या 6 पैनकेक्स बस, उससे ज़्यादा नहीं। और उसे 15 मिनट तक हम तेज आँच में हाई फ्लेम में हम इसे उबाल लेते हैं। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे, हम इसे पलट भी सकते हैं, लेकिन इसे 15 से 16 मिनट हमें तेज आँच में पकाना है। 15 मिनट हो चुकी है फ्रेंड्स, अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं। आप देखिए मैंने कितने छोटे पैनकेक्स बनाए थे और ये कितने बड़े बनकर रेडी हुए हैं, बिल्कुल फुले फुले स्पॉन्जी। मैं इसे दबा कर भी दिखाती हूँ आपको ये कितना सॉफ्ट है। चलिए अब हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और हमारी रसमलाई का रस भी ठंडा हो चुका है और ये पैनकेक्स भी ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसका रस निकाल देते हैं। रस निकालना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर रस ही निकालेंगे तो वो रसमलाई का जो हमने रस बनाया है उसको ये पैनकेक्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम सारे के सारे पैनकेक्स रसमलाई के रस में डाल देते हैं और इसे 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देते हैं ताकि उसका रस ये पैनकेक्स अच्छी तरह से पी सकें। 4 घंटे के बाद हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसे बोल में सर्व कर लेते हैं। पैनकेक्स ने रस को अच्छी तरह अब्सॉर्ब कर लिया है। ये देखिए रसमलाई बिल्कुल रेडी है। आ रहा है ना आपके मुंह में पानी? तो इस त्यौहार आप और मिठाइयों की बजाय रसमलाई बनाइए। आपको देखने से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स ये कितने स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा रस और डाल लेते हैं इसे और टेस्टी बनाने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप इसी तरह की सॉफ्ट रसमलाई बनाना चाहते हैं तो मेरे पूरे टिप्स फॉलो करिए तो आपकी रसमलाई बिल्कुल सॉफ्ट बनकर रेडी होगी। दिवाली की और भी बहुत सारी मिठाइयाँ मैंने आपके साथ शेयर की है जिसका लिंक ऊपर आ गया होगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने उनका लिंक दे दिया है। अगर आपको रसमलाई बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।